अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो शौक है, यानी कि आज का ये जो व्लॉग है, वो है फिब्बी कैटल फार्म के ऊपर। फिब्बी के मेरे जितने भी आप लोगों ने पहले व्लॉग्स देखे होंगे, उन सब में सबसे ज़्यादा हट के जो है ना, वो ये वाला व्लॉग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं खास तौर पे कुछ पैचेस बनाऊंगा जानवरों के, यानी कि काले अबलग, लाल अबलग, सफेद। हालांकि बछड़ियों का शौक है तो बछड़ियाँ निकलवाने की कोशिश करते हैं, कुछ बछड़े भी निकलवा लेंगे। अगर वैसे मैं फिब्बी की बात करूं तो फिब्बी का जो फार्म पिछले सालों में आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा, आज वो फार्म जो है वो चेंज हो गया, यानी कि जमील नुमा सोसाइटी में ही है। सिर्फ एक फार्म की नहीं, बल्कि अब फिब्बी के तकरीबन 5 से 6 अलग अलग सेटअप्स हैं, जहाँ पे तकरीबन 500, 600 या 700 के करीब जो ना वो माल जो है वो कुर्बानी वालों का पल रहा है या फिर तैयार किया जा रहा है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है। तो खैर, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ है फिब्बी के बारे में, कि फिब्बी की जो कलेक्शन है वो तो होती ही ज़्यादा है, यानी कि बिचौली कैटेगरी हो या कुछ भी हो, वो तो चीज़ अपनी जगह पर ही, लेकिन उसके साथ ही साथ फिब्बी का जो सेटअप है, फिब्बी की जो प्रेजेंटेशन है, वो होती है हमेशा से काबिल तारीफ। और इस साल भी जिस जगह पर, जिस फार्म पर मैं खड़ा हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये फार्म कैसे पहले बंजर था और फिब्बी ने इसको कैसा आबाद कर लिया। मतलब है माशाल्लाह माशाल्लाह दी एंड। तो चलें व्लॉग को शुरू करते हैं। सबसे पहले टीज़र दिखाता हूँ आपको, सारी चीज़ों को मिला के एक टीज़र बनाते हैं और फार्म को उसी में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि फार्म बेसिकली ऊपर से एरियल व्यू क्या रखता है, या फिर उसके अंदर कुछ माल कैसा नजर आ रहा है, लाइटिंग का कैसा सेटअप हुआ हुआ है। तो बिना वक्त को ज़ाया किए सबसे पहले एक टीज़र देखते हैं, फिर आगे पैचेस के ऊपर बात करते हैं। तो चलो टीज़र हो जाए। It's all about humanity. It's all about humanity. अच्छा भाई, तो आप लोगों ने फिब्बी कैटल फार्म का टीज़र देखा, जो कि मैंने सिर्फ एक फार्म को दिखाने के लिए बनाया था, और उम्मीद है कि वो भी पसंद आया होगा, क्योंकि फार्म की अगर बात की जाए तो किसने सोचा था कि इस फार्म को, यानी कि फिब्बी के इस नए फार्म को, जो कि जमील नुमा सोसाइटी के अंदर है, वो इस तरीके से बदल जाएगा अपने ब्लू कलर के अंदर, यानी कि ये एक पर्पल कलर के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आ गया। खैर, टीज़र तो आप लोगों ने देख लिया, अब बात करते हैं कुछ ग्रुप्स की। तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि फिब्बी के पास इतना कलेक्शन मौजूद है कि शायद मैं क्या, अगर कोई दूसरा बंदा भी इस पूरे कलेक्शन को एक साथ एक व्लॉग में नहीं डाल पाएगा। तो खैर, हम ये कोशिश करते हैं कि फिब्बी के कुछ कलर्स आपको दिखाते हैं। उन कलर्स के अंदर काले ब्लड के कुछ जोड़े निकलवाते हैं, या फिर पूरा एक पैच बनवाते हैं, और फिर उसके बाद एक लाल अबलग का बनवा के दिखाते हैं, फिर नुकरियों का एक सेटअप दिखाते हैं कि नुकरियाँ भी यहाँ पर मौजूद। वैसे तो हर चीज़ मौजूद है, लेकिन मैं इस व्लॉग के लिए इसको इस तरह से डिज़ाइन करता हूँ कि सबसे पहले काली अबलग का एक वीडियो बना के दिखाता हूँ, फिर लाल अबलग की दिखाता हूँ, फिर सफ़ेद नुकरियों की दिखाता हूँ, और वो वीडियो को एंड करेंगे। तो फिर चलो सबसे पहले काली अबलग बछड़ियाँ देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड उसकी हो रही है यार। चलो भाई, आप लोगों ने काली अबलग बछड़ियाँ देख ली, अब बात करते हैं लाल बछड़ियों की, यानी कि लाल अबलग बछड़ियों की, जिसके अंदर ख़ास तौर पर एक बछड़ी जो है वो बड़ी मशहूर भी है, यानी कि मिस वर्ल्ड मेगा भी आपको दिखा देता हूँ उसके अंदर ही, वो भी लाल अबलग बछड़ी है।
ये इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि फिब्बी की कुछ ऐसी चीज़ें ऐसे शौकीनों के घरों पर जाती हैं। मैं खुद भी पूरा कहते हैं ना कि जब अनलोडिंग या लाइव कर रहा होता है कुछ भी, इन सब चीज़ों में बड़ा बिजी रहता हूँ। जो फिब्बी एक ऐसा फार्म है जिसके शौकीन खास तौर पे ऐसे जुड़े जाते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं कि आपकी सोच है आखिरी दिन तक उनके साथ पूरा रहता है। तो खैर बिना वक्त को जाए कि अब लाल अलग बछड़ियों की वीडियो दिखाता हूँ, फिर आपको नुकियों की वीडियो दिखाता हूँ। कुछ निकलवाएंगे भले, क्योंकि जगह के हिसाब से और टीम के हिसाब से थोड़ा टाइम कम टाइम लूंगा। तो चलो लाल अलग बछड़ियाँ निकल जाए। तो लाल अबलग बछड़ियाँ भी हो गई। अब बात कर रहे थे हम फिब्बी के फार्म की शुरू में, तो अब जरा फार्म को आप लोग जरा देख ही लें, इस हर चीज़ ही माशाल्लाह 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 दी एंड कर। तो खैर अब बात कर रहे हैं हम लोग सफ़ेद बछड़ियों पे, तो सफ़ेद बछड़ियाँ रह गई हैं, तो कुछ पेयर्स निकालता हूँ जिसके अंदर एक आध बछड़ा डलवा लेते हैं, कुछ बछड़ियाँ डलवा लेते हैं, और उम्मीद है कि वो वीडियो भी आपको छोटी सी सही लेकिन अच्छी बना के दिखाते हैं। तो चलें फिब्बी की सफ़ेद कलेक्शन को भी थोड़ा सा दिखाते हैं। All about humanity. एक और चीज जो कि मैं आपको अपने इस आरलॉग में ही बता देता हूँ कि शायद 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 आप लोग इस साल की मंडी में जो ना वो फिब्बी कैटल फार्म को बहुत ज्यादा मिस करेंगे, क्योंकि कलेक्शन तकरीबन जो है वो सोल्ड हो चुका है। कुर्बानी वालों का अब तो ये वाला सीन हो गया है कि फिब्बी पर ही पहले से कुर्बानी की चीज़ें खरीदी भी होती हैं, पल रही होती हैं। मेरी खुद भी एक दिल कहते ना दिल के करीब वाली जो हाफ फेस बछड़ी है वो माशाल्लाह माशाल्लाह फिब्बी पर ही पल रही है। तमाम कलेक्शन हज़ारों लाखों मैं कहता हूँ करोड़ों माल एक तरफ और वो बछड़ी मेरे लिए इस वक्त एक तरफ, और मैं कोशिश करूँगा कि वो मुझे मिल जाए, देखते हैं वो मेरी होती है कि नहीं होती। वैसे तो ठीक है, खैर ये आज का व्लॉग था और माशाल्लाह 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 सेटअप। खैर जी आज के लिए इजाजत दें, फिर मिलते हैं फिब्बी के कभी अगले व्लॉग में, तो उसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि सेटअप हुआ कैसे। आज के लिए मुझे इजाजत दो, अल्लाह हाफिज़।